असलम दिस इज गाइडिंग चैप्टर नंबर 77 और हम पढ़े हैं फिजोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ थायरय हार्मोन एंड दिस इज पार्ट थ्री ऑफ द फिजोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ थायरयड हार्मोन ठीक है अच्छा तो ये फोर पार्ट्स में हमने फिजोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ थायर हार्मोन कराने थे तो दिस इज द थर्ड पार्ट ओके ना इसमें हमने डिस्कस करना है कि थायरॉय हार्मोन का हार्ट पे क्या इफेक्ट है रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट है ट्रैक पे क्या इफेक्ट है और सीएनएस पे क्या इफेक्ट है ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द दउट आउटपुट अच्छा जी जब भी थायरॉयड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो बेसिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है अब जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है बॉडी का तो ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होने लग जाती है ठीक है और जब भी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है जब भी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा यानी कि रिएक्शन ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी एंड एंड सेकंड थिंग इज दी के मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है अब ऑक्सीजन कम होना किसी जगह पे और वहाँ पे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का ज्यादा होना ये दोनों चीजें बेसिकली इट एक्ट्स एज अ प्लेस जहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगी ठीक है सो ये मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली वेजो डाइले डायलेटर के तौर पर काम करते हैं और ऑक्सीजन के कम होने से भी वेजोडाइलेशन हो जाती है ठीक है जब वैस्कुलर स्मूथ मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे और ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगी सो इट रिजल्ट्स इनटू टू वेजो डायलेशन ओके ना सो so, यानी कि थायरोड हार्मोन ने मेटाबलिज्म बढ़ाया और मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से वेजोडाशन होगी मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज में ठीक है अब जब वेजोडाइलेशन होती है तो वेजो होती क्यों है ताकि जिस जगह पे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है उस जगह पे ढेर सारा ब्लड फ्लो पहुँचाया जाए इसलिए वेजोडाइलेशन होती है ठीक है जी सो so, वेजो डायशन की वजह से देर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो टूवर्ड्स दी ऑर्गन्स ठीक है और जब मेटाबॉलिज्म में हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है अब उस हीट को हमने बॉडी से बाहर निकालना है तो हीट बॉडी से बाहर किस तरह निकलती है कि ब्लड सप्लाई जो है स्किन की ज़्यादा हो जाती है ताकि वो हीट स्किन की सरफेस से बॉडी की सरफेस से बाहर निकल जाए ठीक है सो बेसिकली सो इट्स हम ज़्यादा हुआ तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हुआ मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हुआ तो वेजोडाइलेशन होगी विजोडाइलेशन होगी तो ढेर सारा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया है टू द टू मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज ठीक है अब ये जो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया ये ब्लड सारी बॉडी को भेजना किसने होता है ये ब्लड हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके भेजना होता है तो हार्ट बहुत ढेर सारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपनी कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज ठीक है तो इस तरह जब भी थारॉयड हार्मोन ज्यादा होता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है ठीक है जी अच्छा स्वीयर हाइपरथायरोडिजम में कार्डिक आउटपुट कोई अराउंड नॉर्मल से 60 परसेंट ज्यादा बढ़ जाती है और अगर यही हम कहपोथायर तो में इसके बिल्कुल उल्टा सारा कुछ होगा वाइस वर्सा होगा तो हाइपोथायर में कार्डिक आउटपुट बहुत डिक्रीज कर जाती है और कार्डिक आउटपुट कितनी डिक्रीज करती है नॉर्मल का फिफ्टी परसेंट रह जाती है कार्डिक आउटपुट ओके सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ थायरयड हार्मोन ऑन दी हार्ट स्ट्रेंथ ठीक है जी अच्छा तो नॉर्मल मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी थायरय हार्मोन बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाएगी मैंने कहा था सारी चीजें बढ़ जाती हैं तो उसमें मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाती है मगर इसको ये सिर्फ तब होता है वेन देअ इज स्लाइड इंक्रीज इन थायरॉयड हारमोन स्लाइड इंक्रीज इन थायरयड हार्मोन होगा तो फिर हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी

वीक हो जाता है सो इसीलिए सुयर थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स में अक्सर कार्डिक फेलियर भी हो जाता है ठीक है सो अगर आपको एम सी क्यूज आ जाता है कि सुयर थाड हाइपरथायरोडिज्म में लोगों को क्या होता है तो उसमें आगे कार्डिक फेलियर की ऑप्शन आपने जरूर देखनी है कि लोगों को कार्डिक फेलियर हो जाता है हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर जाता है क्योंकि हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी प्रोटीन टूट चुकी है सो द पेशेंट कैन डाई ऑफ कार्डिक फेलियर ओके सो नेक्स्ट इज द इंक्रीज हार्ट रेट जब भी थायरोयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है ठीक है हार्ट रेट बढ़ क्यों जाता है बेसिकली थायरोड हार्मोन जो है ना वो हार्ट की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देता है ठीक है और जब भी हार्ट का मसल हार्ट के जो ऑटोरेदमिक मसल्स हैं ऑटोरेमिसिटी ऐसे नोट है जब उनकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी इट विल रिजल्ट इन टू इंक्रीज हार्ट रेट ठीक है और जब कोई पेशेंट आपके पास आता है हाइपरथायरोडिज्म का तो हम उसकी पल्स चेक करते हैं तो पल्स अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है द पेशेंट माइट हैव हाइपरथायरिज्म सो इंक्रीज़ हार्ट रेट एज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव फिजिकल साइंस इन सो सोफैनी पेशेंट कम्स टू यू विद हाइपरथायरोडिज्म तो उसकी आप पल्स देखेंगे तो पल्स ज़्यादा होगी एंड दिस इज अ वेरी गुड वेरी गुड साइन फॉर टू डायग्नोज हाइपे था देन वी हैव आर्टीरियल प्रेशर मीन आर्टीरियल प्रेशर पर क्या इफेक्ट है हमने पहले तो हार्ट की बात कर रहे हैं ना हमने पहले देखा जी अभी हम डिस्कस करिए हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट है बढ़ेगा हार्ट की स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट है बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है डिपेंडिंग हम उनकी कितना थाइड है उनका लेवल ज़्यादा है कार्डिक आउटपुट पर क्या इफेक्ट है कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगी अब ये सारी चीज़ें मिला के हम देखेंगे तो मेन आर्टीरियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट है तो इसमें दो पॉइंट्स देखने वाले हैं नंबर वन अगर हम मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्शन की बात करें स्लाइड इंक्रीज इन थायड हार्मोन में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाती है तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्शन अगर बढ़ेगी ड्यू टू स्लाइड इंक्रीज इन थायड हार्मोन तो इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है अराउंड टेन टू फिफ्टीन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्रिय राइज कर जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जब भी थोड़ा सा थायर्ड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा हार्ट का मसल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर को जो सिस्टोलिक कंपोनेंट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा टेन टू फिफ्टीन मिलीमीटर सामग्री ओके तो इस लिहाज से तो इस बात से तो ऐसे, तो ऐसे लग रहा है कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा ठीक है मगर एक और भी चीज़ है जो जो इस चीज़ को काउंटर करती है और वो ये है कि जब भी हाइपरथायोडिज़म होती है

आप आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो सिस्टोलिक कंपोनेंट है ब्लड प्रेशर का वो कौन डिफाइन करता है वो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिफाइन करती है सिस्टोलिक कंपोनेंट और डायस्टोलिक कंपोनेंट कौन डिफाइन करता है वो डायस्टोलिक कंपोनेंट वैस्कुलर कॉम्प्लाइंस डिफाइन करती थी वैस्कुलर रिक्वाय डिफाइन करता था तो अगर हार्ट का मसल ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिर्फ सिस्टोलिक ऊपर जाएगा डायस्टोलिक नहीं ऊपर जाएगा और ब्लड वेसल्स अगर विजो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो डायस्टोलिक ऊपर जाएगा और ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होंगी जैसे विजो डायलेशन में तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आता था ये हमने फर्स्ट ईयर में काफी डिटेल में सबसे पढ़ा था तो ऐसी कंडीशन है जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है तो दोनों का जो मीन है मीन वैल्यू है वो दैट विल रिमेन द सेम सो मीन आर्टिकल प्रेशर रिमेन्स द सेम इन हाइपथायर ओके चलिए नेक्स्ट इज वट इज इफेक्ट ऑफ थायर ऑन रेस्परिएशन सो रेस्परिएशन भी इंक्रीज कर जाती है जब थायर हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है वजह इसकी बड़ी ही सिंपल सी है जब थायर हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है भाई रिएक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है सो so, इस ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को मैच करने के लिए और ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा अपना रेस्पायरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा नॉट ओनली द रेट बट बल्कि द डेप्थ ऑफ द रेस्परेशन ऑल्सो देर इज इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्परेशन ठीक है देन वी हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी मोटेलिटी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि हाइपोथायर जब भी होगा ना तो थर्ड हार्मोन जीआई ट्रैक की मोटिलिटी को भी बढ़ाता है और उसकी सिक्रेशंस को भी बढ़ाता है ताकि खाना जल्दी जल्दी हजम हो और जल्दी जल्दी आगे मूव हो और जल्दी जल्दी ढेर सारा एब्जॉर्ब हो ठीक है ताकि वो उसकी वो खाना एब्जॉर्ब होगा न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स जाके मेटाबॉलिक रेट को सही तरह सपोर्ट करेंगे ओके okay? सो so, बंदे थायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो एपेटाइट भी बढ़ जाती है बंदे की फूड इनटेक भी बढ़ जाता है और आगे से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी ज़्यादा सिक्रीट होते हैं मोटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अक्सर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है सारा जी ट्रैक की मोटिलिटी और डाइजेशन के बंदे को डायरिया हो जाता है सो हाइपर थायरॉइडिज़म कैन लीड टू डायरिया एंड हाइपो थायरॉडिज़म में सारा कुछ स्लो हो जाता है लो मोटिलिटी जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ओके सो हाइपोथायरिज्म के लिए टू डायरिया एंड हाइपोथायरिज्म के लिए टू कॉन्स्ट्रपेशन ओके, सो नेक्स्ट इज द एक्साइट इफेक्ट ऑफ थायरॉयड हार्मोन ऑन देंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा हाइपोथायरॉयड का अगर पेशेंट आता है जिसका थार हार्मोन बहुत ज्यादा है तो वो पेशेंट की जो लुक होगी वो बहुत एंशियस होगी ठीक है उसे एनजाइटी होगी उसकी जो थाट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा होगा इरेटेबल लग रहा होगा एजी होगा ठीक है क्यों क्योंकि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है ओके सो थर्ड हारमोन क्या करता है उसमें जब भी थर्ड हार्मोन का लेवल तो देर इज रैपिडिटी ऑफ सेलिब्रेशन ठीक है अब उसमें तो देखने को लगता है कि आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है मगर रैपिडिटी ऑफ सेलिब्रेशन की वजह से नर्वसनेस आ जाती है एनजाइटी आ जाती है एक्सट्रीम इैशनल वरी होती है और पैरानोया तक हो जाता है ठीक है और डिसोसिएटेड थॉट प्रोसेस होता है डिसोसिएटेड थॉट प्रोसेस का मतलब है सारे को मैं एक ही उसमें बताता हूँ रेपरेटिव ऑफ सेलिब्रेशन यानी कि जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन है ना ब्रेन के अंदर वो बहुत क्विक हो रही है अब जो थॉट प्रोसेस हैं उसकी वजह से जनरेट कर रहे हैं वो क्विक भी हैं और डिसोसिएटेड भी हैं यानी कि द थ जो थाट प्रोसेस है इट इज नॉट मेकिंग सेंस ठीक है कभी एक तरफ एक चीज़ बंदा सोच रहा है साथ में दूसरी चीज़ सोच रहा है फिर तीसरी चीज़ सोच रहा है तो कन्फ्यूज भी होता है इरिटेबल भी होता है एंशियस भी होता है परेशान भी होता है और इरेशनल रैशनल सी थाट्स आ रही होती हैं ठीक है थीके? और पैरानोइड पैरानोया तो फिर उसकी तरफ चला जाता है पैरानोया और दिस कैन लीड टू इवन साइकोसिस ठीक है यानी कि पैरानोइड सी थिंकिंग होती है यानी कि अनरियल सी चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं इस किस्म की ठीक है मगर हम नॉर्मल देखें तो इट तो इज़ तो 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 प्रिटी सिंपल जस्ट कीप इट टू एनजाइटी एंड नर्वसनेस ये सबसे कॉमन और ईजी टू ऑब्जर्व होता है ठीक है जी तो ये हमने इस पार्ट में अभी हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ था हॉमोनो नर्वस सिस्टम जी आई ट्रैक रेस्परेशन एंड हार्ट ठीक है जी सी यू इन नेक्स्ट पार्ट